गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेंगे प्रोटीन। इसके पहले जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था एमिनो एसिड्स, अब जो हम पढ़ेंगे वो है प्रोटीन। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि प्रोटीन क्या होते हैं, ये है एमिनो एसिड्स से ही मिलकर के बने होते हैं। जब एमिनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं तो वो किसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब हम आगे प्रोटीन और इसके प्रकार, इसका क्लासिफिकेशन, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटीन क्या होते हैं? प्रोटीन आर हाई मोलिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट कंसिस्ट ऑफ द लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ एमिनो एसिड मोनोमर्स। मतलब क्या हुआ इसका कि ये मोनोमर्स की जो एमिनो एसिड होते हैं, ये मोनोमर्स की एक लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं और ये पूरी चेन मिलकर के क्या बनाती है, एक प्रोटीन बनाती है। प्रोटीन के उच्च आणविक कार्बनिक यौगिक का निर्माण करती है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। एमिनो एसिड मोनोमर्स कार्बोक्सिलिक और एमिनो ग्रुप के बीच पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा एक साथ जुड़ जाते हैं। ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये जो मोनोमर्स होते हैं ये आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा ये आपस में जुड़े होते हैं और ये जुड़ने के बाद में किसका निर्माण करते हैं, ये आप प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन में मुख्य रूप से 20 प्रकार के एमिनो एसिड्स अणुओं के विभिन्न प्रकारों के संयोजन होते हैं। कितने प्रकार के? कम से कम 20 प्रकार के, है ना, लगभग 20 प्रकार के एमिनो एसिड के अणु जो है आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं, जो अलग 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 संयोजनों या संख्याओं को मिलाकर अलग अलग पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। मतलब अलग अलग नंबर्स होंगे और अलग अलग इनके प्रकार होंगे, वो आपस में सब जुड़ करके एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, चेन बनाते हैं जो कि प्रोटीन का निर्माण करता है। जीन का अनुक्रम एक प्रोटीन अणु में एमिनो एसिड अनुक्रम को परिभाषित करता है, मतलब उसके सिक्वेंस को बताता है, सीरीज को बताता है। अर्थात एक विशिष्ट जीन एक विशिष्ट प्रोटीन को कूटबद्ध करता है, मतलब प्रेजेंट करता है। एक जंतु शरीर हजारों विभिन्न प्रोटीनों की मदद से कार्य करता है। हमारी बॉडी में जो एनर्जी आती है, हमारे शरीर को प्रोटीन, विटामिन, इन सभी की आवश्यकता होती है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि किसी एक प्रोटीन से काम चल जाएगा। तो क्या होता है, बहुत प्रकार के प्रोटीन्स आपस में मिलते हैं और हमारी बॉडी में काम करके हमें एनर्जी प्रदान करते हैं। रासायनिक रूप से एक प्रोटीन अणु में नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और फास्फोरस होते हैं। यदि हम उसका केमिकल जो उसकी कंपोजिशन है उसको देखें प्रोटीन में, कि प्रोटीन में क्या क्या होता है, तो उसमें क्या क्या है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर और फास्फोरस, ये सारी चीज़ें जो है प्रोटीन में मौजूद होती हैं। हालांकि कुछ प्रोटीन में हैलोजन और धातु भी पाए जा सकते हैं। ये जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और फास्फोरस, ये तो होते ही हैं, लेकिन साथ में कुछ प्रोटीन्स में हैलोजन और अन्य मेटल्स भी मिल जाते हैं। प्रोटीन की संरचना स्रोत को अलग करती है, लेकिन इसकी संरचना का अनुमानित अनुमान इस प्रकार से हो सकता है। मतलब एक हम इसकी कंपोजिशन देखें कि इसमें कितनी मात्रा में क्या क्या हो सकता है, तो वो इस तरह से है कि कार्बन 50 से 55% होता है, हाइड्रोजन 6 से 7.5%, नाइट्रोजन 15 to 17%, ऑक्सीजन 21 to 24%, सल्फर 0.2 से 2.2% और फॉस्फोरस 0.1 से 1%। इस तरह से मतलब लगभग इतनी मात्रा जो है आपस में जुड़ती है और प्रोटीन का निर्माण करती है। एक प्रोटीन का यदि हम मॉलिक्यूल को देखें तो उसमें हमको इतनी मात्रा में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और फास्फोरस मिलेंगे। साथ में कभी कभी हमें अन्य प्रोटीन्स में हैलोजन और अन्य मेटल्स भी मिल सकते हैं। प्रोटीन के अणु कोलाइडल घोल बनाते हैं और दो वर्गों के बीच घुलनशीलता में आणविक आकार में अंतर से संबंधित होते हैं। अब ये तो हुआ प्रोटीन के बारे में जनरल जानकारी। इसके बाद हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन।
अब इसका क्लासिफिकेशन हम देखें कि इसको तीन में डिवाइड किया गया है, है ना। तीन में किस किस में? एक तो सिंपल प्रोटीन, दूसरा कंजुगेटेड या संयुग्मित जिसको कहेंगे, और तीसरा है डेरिव यानी व्युत्पन्न प्रोटीन। तीन प्रकार में प्रोटीन को डिवाइड किया गया है, सिंपल प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन और डेरिव्ड प्रोटीन। अब सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन में क्या है? ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं ग्लोब्यूलर यानी गोलाकार, दूसरे होते हैं फाइब्रस यानी रेशेदार। ठीक है, दो प्रकार के सिंपल प्रोटीन होते हैं जिसमें गोलाकार प्रोटीन और रेशेदार प्रोटीन आते हैं। गोलाकार को हम क्या कहेंगे? ग्लोब्यूलर, और रेशेदार फाइब्रस प्रोटीन। अब इसमें जैसे कि गोलाकार प्रोटीन के बारे में हम देखें तो इनको भी कई टाइप्स हैं इनके, जैसे एल्बुमिन जो कहाँ मिलता है? अंडे की, अंडे में पाया जाता है एल्बुमिन, है ना। ग्लोब्यूलिन, ग्लूटेलिन, प्रोलामिन्स, हिस्टोन्स, ग्लोबिन और प्रोटामिन्स, ये सारे कौन से हैं? ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं। इसके बाद है फाइब्रस प्रोटीन, जैसे कि कोलेजन, इलास्टिन और कैरेटिन, ये सब किस में पाए जाते हैं? फाइब्रस प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आ जाता है कंजुगेटेड प्रोटीन। अच्छा, कंजुगेटेड शब्द से ही हमको समझ में आ रहा है कि ये कैसे होंगे? जुड़े हुए होंगे, है ना। दो तरह के जब प्रोटीन आपस में जुड़ेंगे तो वो क्या बनाएंगे? कंजुगेटेड या संयुग्मित यानी संयुक्त होकर यानी जुड़कर आपस में प्रोटीन का निर्माण करेंगे। तो ये किस प्रकार के हैं? इसमें कौन कौन से आएंगे? ये है न्यूक्लियोप्रोटीन, फिर ग्लाइकोप्रोटीन, मेकोप्रोटीन, म्यूकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन और मेटेलोप्रोटीन। ये सारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे? ये कंजुगेटेड प्रोटीन के अंतर्गत आ जाएंगे। इसके बाद आ जाता है डेरिव्ड प्रोटीन। इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा? प्राइमरी और सेकेंडरी। डेरिव्ड को पहले दो में डिवाइड किया गया है, एक प्राइमरी में यानी प्राथमिक में, दूसरा सेकेंडरी यानी द्वितीयक में। प्राइमरी में कौन कौन से होंगे? कंजुगेटेड प्रोटीन, प्रोटीएंस और मेटा प्रोटीन्स, ये किस में आएंगे? ये प्राइमरी में आएंगे, कंजुगेटेड प्रोटीन्स, प्रोटीएंस और मेटा प्रोटीन्स। इसके बाद सेकेंडरी डेरिव्ड में कौन सा आएगा? प्रोटीओजेस, पेप्टोन्स, पॉलीपेप्टाइड्स और पेप्टाइड्स, ये सारे आ जाएंगे सेकेंडरी डेरिव्ड प्रोटीन्स के अंतर्गत। तो ये हुआ इसका एक सिंपल क्लासिफिकेशन, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव में इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि सिंपल का उदाहरण है या कंजुगेटेड का उदाहरण है या डेरिव्ड का उदाहरण है, या फिर सिंपल प्रोटीन को कितने में बांटा गया है? तो दो में बांटा गया है। कंजुगेटेड को कितने टाइप्स हैं? तो उसमें कौन कौन से टाइप्स हैं ये भी पूछ सकते हैं। कोई भी नाम दे के आपसे पूछ सकता है कि ये किस कंजुगेटेड प्रोटीन है या सिंपल है या डेरिव्ड है, इस तरह से। तो इनके नाम यदि आप याद कर लेंगे तो इसमें ऑब्जेक्टिव में भी काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब हम इनको डिटेल में देखेंगे कि साधारण प्रोटीन क्या होते हैं, कंजुगेटेड क्या होते हैं और डेरिव्ड क्या होते हैं। सबसे पहले सिंपल प्रोटीन, है ना, साधारण प्रोटीन या सिंपल प्रोटीन, ये कौन से हैं? ग्लोब्यूमिन्स, एल्बुमिन्स, ग्लोब्यूमिन्स, ग्लूटेलिन्स, प्रोलामिन्स, हिस्टोन्स, ग्लोबिन्स और प्रोटामिन्स। ठीक है, तो गोलाकार में फिर सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल प्रोटीन में ग्लोबुलर प्रोटीन, ये कैसे होते हैं? ये प्रोटीन गोलाकार या अंडाकार यानी राउंड या फिर ओवल शेप्ड होते हैं, जो पानी में या अन्य विलायकों में घुलनशील होते हैं। जो गोलाकार प्रोटीन होते हैं ये कैसे हैं? जल में घुलनशील होते हैं और लंबे समय तक सुपाच्य रहते हैं। इसका एग्जांपल हम देखें तो इसके एग्जांपल के लिए पूरी एक टेबल दी हुई है, इस टेबल को आप अपने पास नोट कर लेना। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसमें यहाँ पर इसके एग्जांपल दिए हुए हैं। ये
जैसे कि पहला है एल्बुमिन। अब ये एल्बुमिन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? ये जल में घुलनशील नमक के घोल को तनु करता है, लेकिन गर्म करने पर सांद हो जाता है। सॉल्युबल इन वाटर फॉर्मिंग डाइल्यूट सॉल्ट सॉल्यूशन बट कोगुलेटेड ऑन हीटिंग। ठीक है, जब गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है, ये कोगुलेट हो जाता है, सांद्र हो जाता है। इसका एग्जांपल कौन से हैं? सीरम, एल्बुमिन, ओबालोमिन जो कि एग में है होता है, और लैक्टो एल्बुमिन जो कि दूध में मिलता है। ठीक है, ये इसके एग्जांपल हैं। इसी तरह से फिर दूसरा है ग्लोब्यूलिन, जो कैसा होता है, सॉल्युबल इन नेचुरल न्यूट्रल एंड डाइल्यूट सॉल्ट सॉल्यूशन, यानी उदासीन तथा तनु नमक के घोल में ये घुलनशील होता है। इसका एग्जांपल है सीरम ग्लोब्यूलिन और विटेलिन एग योग में पाया जाता है। इसके बाद है ग्लूटेलिन, ये अम्ल और क्षार में घुलनशील और अधिकतर पौधों में पाया जाता है। सॉल्युबल इन डाइल्यूट एसिड्स एंड एल्काइल्स एंड मोस्टली फाउंड इन प्लांट्स। इसके एग्जांपल हैं ग्लूटेन वीट मतलब गेहूं में एवं ऑरिजेनिन चावल में। ठीक है, इसके बाद है प्रोलमाइन, ये सॉल्युबल इन 70% अल्कोहल में सॉल्युबल होता है। ये इसके एग्जांपल हैं ग्लायडीन गेहूं में और जीन मक्का में। फिर है स्टोन, ये घुलनशील होता है लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अघुलनशील होता है। इसका जो एग्जांपल है वो है कॉडफिश शुक्राणु के हिस्टोन्स, थाइमस स्टोन और कॉडफिश शुक्राणु के हिस्टोन। नेक्स्ट है इसके बाद ग्लोबिन्स, ये क्या है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, इसमें NH4OH यानी हिस्टोन से मिलते जुलते हैं लेकिन प्रकृति में कैसे होते हैं, क्षारीय नहीं हैं और अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH द्वारा अवक्षेपित नहीं होते हैं। इसका एग्जांपल है थाइमस स्टोन और कॉडफिश शुक्राणु के स्टोन। फिर इसके बाद है प्रोटामीन, प्रोटामीन में क्या है, ये प्रबलता से क्षारीय स्टोन जैसा दिखता है लेकिन आकार में छोटा और अमोनियम हाइड्रोक्साइड से में घुलनशील होता है। इसका एग्जांपल है शुक्राणु प्रोटीन। ठीक है, इसके बाद हमारा जो बचता है वो है रेशेदार प्रोटीन और कंजुगेटेड प्रोटीन।